मैं डॉक्टर संतोष राय, आपका अपना, आप जैसी सोच रखने वाला। और जब हम लोगों की सोच मिलती है तो क्यों ना आज थोड़ा सोचते हैं। जरा सोचो, एक साल नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वही होगा जो 5 दिन नहीं खाना खाने से होता है, या यूं कहूं कि 15 दिन नहीं खाना खाने से जो होता है उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। वही होगा एक साल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे वही होगा। जरा सोचो, जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दे करके अपने करियर की तैयारी करते, वो अभी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो, जिनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रमोशन मिला है वो रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, रिजल्ट ढूंढने में अपना समय बता रहे हैं, लगा रहे हैं और उस रिजल्ट को ढूंढ रहे हैं। जरा सोचो, कहीं आप मोबाइल के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने में तो नहीं उलझ गए जिनका आपके जीवन से, करियर से कुछ लेना देना ही नहीं। आज एक बुद्धिजीवी ने बताया, कोरोना है ना, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, मैं डर गया। मैं शिक्षक हूँ, सोचता हूँ, तुम भी सोचो, डर के ही सही हमने न्यूज चैनल खोला तो देखा, पाया कोरोना का, रोजगार का, बढ़ती बेरोजगारी का, अर्थव्यवस्था का, आगे आने वाले समय की तैयारी का, स्कूल एवं कॉलेज की शिक्षा का, शिक्षकों की भूमिका का, कुछ न दिखा। टीवी में ऐसी कोई बात नहीं दिखी, न्यूज चैनल में ऐसी कोई बात नहीं दिखी। हाँ, कुछ बहस जरूर दिखी और वो बहस चल रही थी, कुछ लोग रटते रटाते जरूर दिखे। उन्होंने बताया, तुम भी छोटे बच्चे हो, रटो, क से कबूतर, क से कबूतर, रटो, ख से खरगोश, ख से खरगोश, और ग से गधा, क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गधा। ये रटाते हुए दिखे, शाम तक मैं भी रट लिया कि क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गधा। हम रट कर खुश हैं, हम रट कर कोर्स खुश हैं, हमारा कोर्स शाम को कंप्लीट हो गया रट के। जरा सोचना और सोच के कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल की उस दुनिया में जहां हमारे काम का कोई चीज ना हो उसी में हम खोकर रह जाएं। ये सोच मेरी नहीं, आपकी भी है, हम दोनों को सोचना है क्या बेहतर हो सकता है, दोनों को डिस्कस करना है। ये सोच के बारे में जरूर कहूंगा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कभी मत करना, क्योंकि जिसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो उसके बारे में भी आज सोचना है कि किसे हम लाइक करते हैं, किसे हम शेयर करते हैं और किसे सब्सक्राइब करते हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे कुछ अलग थलग।